आल्टो न्यूज़ चैनल दे विच तुहाडा स्वागत। उधार दिते 200 रुपए वापस ना देने ते कुछ नौजवानां प्यो पुत्तर नाल कीती मारकुटाई ते पुत्तर दी होई मौत, ये खबर तुहाडे नाल सांझी करन जा रहे हैं। जे तुसी साडे चैनल नूं सबसक्राइब नहीं कीता तां सबसक्राइब कर लो, नाल ही बैल आइकॉन भी दबा लो। गुरदासपुर विच कुछ व्यक्तियों ने महज 200 रुपए नूं लै के एक नौजवान का कतल कर दिता अते उसके प्यो नूं गंभीर रूप दे विच जख्मी कर दिता। मामला पिंड सलाहपुर का है जिथे प्यो पुत्र किसी के घर दिहाड़ी करने जाते सन, उन्होंने पासों 200 रुपए उधार ले। जब उन्होंने पैसे वापस मंगे तो दोनों विचकार बहसबाजी हो गई। उकत आरोपियों ने शाम वेले जदों प्यो पुत अपने घर के बाहर खड़े सन तो दूसरे नौजवानों ने आके बेसबाल के नाल उन्होंने हमला कर दिता, जिस कारण नौजवान साजन की मौके पर ही मौत हो गई। उसका पिता मंगल सिंह गंभीर जख्मी हो गया। जख्मी हुए व्यक्ति नूं गुरदासपुर के सिविल अस्पताल विखे भेज दिता गया। पिंड वासियों ने कहा कि 200 रुपए पिछे एक नौजवान का कतल हो जाना बड़ी ही मंदभागी घटना है। तो उन्होंने यह भी कहा कि दोषियों नूं सख्त तो सख्त सज़ा मिलनी चाहिए है। इस मामले संबंधी जानकारी देंदिया पुलिस अधिकारियों ने दसिया कि मृतक देह नूं पोस्टमार्टम लई भेज दिता गया है, मामले की जांच की जा रही है। उन्हें दसिया कि आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करके उन्होंने जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आओ देखते हाँ आल्टो न्यूज की विशेष रिपोर्ट। गल कोई नहीं भाजी, चंगा इन्हों का पहला बैन कलोन कोई वैर नहीं भीर, 200-400 जना की कट्ठी मजदूरी करद्या की गल हुई कोई नी। जो सारे छड़ा चढ़ू के चल गए इन्होंने कल्या से वार किया करो कड के बूए गाड़ी आन के गाला कड़िया उन्होंने। जो प्यो पुत बाहर निकले उन्होंने फड़ के बैट बड़िया ही सिर च मार के मुंडा उत्ते ही मकाता, हस्पताल खड़द्या खड़द्या ही मुक गया, उन्हें सह ही नहीं दिया। सारा किसान अजे शुरू ही होया होनी चार गल पहला कट्ठे मजदूरी करते रहे, इन्हों का कोई वैर विरोध नहीं, कट्ठे सारा काम करते। 200-400 रुपए का लैन देन से, 200-400 का लैन देन करके इन्हों की धूत मुहिम हुई है। तो रात में वो जिहड़ा मुंडा जिहड़ा दूसरा लक्की नाम का मुंडा सी उन्हें आण के सिर पर बैट मारते खलोते, तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, इदा आण के बैट मारते। तो जो बच्चा छोटा कोई 18 साल जो शुरू हो 18 साल, तो उसे उत्थे बोलिया ही नहीं है, बस थान से मेरा ख्याल से कोई मौत हो गई है। उस तो बाद प्यो दे मारी है, कोई प्यो की 40-50 साल की उम्र है, तो प्यो भी फटर पिया रहा हॉस्पिटल में। तो मैं तो प्रशासन को सरकार को ही मंग करदा कि वो जे कातल ने इन्हों सख्त तो सख्त सजा दी जाए, और जोड़े शरारती अंसर ने यहो जे जेकर पंजाब नूं आपां चंगे लई ते पंजाब नूं विच सुधार करना चाहुंदे आ तां कि इहो जिहियां वारदातां अणहोणियां ना होण ते इहनां नूं सख्त तों सख्त सज़ा दित्ती जाए प्रशासन ते सरकार नूं। जिन चिर आपां इस कानून सख्त ना बणावांगे उन्ने चिर साडे पंजाब विच सुधार नहीं होणा। बाकी है कि कोई भी जिहड़े आगू आ सियासी आगू उन्हां नूं मैं कहिंदा कि जिहड़ा गलत बंदा है उहदी सिफारिश ना करन, उहदी सपोर्ट ना करन। जदों असीं गलत बंदिआं दी सपोर्ट करदे आ, मदद करदे आ, उहनां दे हौसले जिहड़े होर बुलंद हुंदे आ, वो फिर जो जुर्म है वो वाधा वो घटता नहीं है। तो मैं प्रशासन सरकार को मंग करदा कि ये कला दोनों प्यो पुत सी, पहले उन्हां दी माता सी 6 महीने पहले उहदी भी डैथ हो गई थी, दोनों प्यो पुत सी, दोनों ही कांदे सी ते कमांदे सी, और कोई इन्हां दा माता पिता भी जिहड़ा नहीं है सिर ते। तो इस करके घर का तो जे मैं कहां कि बेड़ा गर्क, ये तो बिल्कुल वाकई ही बेड़ा गर्क हो गया वा। तो ये प्रशासन को मेरी प्रजोर अपील है कि इन्हों सख्त सजा जी दी जाए। अज मॉर्निंग ना साढ़े को एक इंटीमेशन आई सी कि पिंड सलाहपुर के एक लड़का नौजवान लड़का जिदा कि मर्डर हो गया, तो उसकी जी डैथ है वह गुरु नानक देव हॉस्पिटल अमृतसर जाके उत्थे दौराने इलाज जी हुई है। ये असी पिंड जाके सारा तालमेल किया, तो सानू पता लगा कि एक लड़के का नाँ हैगा आ सुखप्रीत सिंह इलीस साजन, तो वो सट्टा लगियां, एक वो फादर मंगल सिंह के दोवे सट्टा लगियां। तिना बंद ने उन्होंने दसिया भी सानू जिहड़ियां सट्टा लगियां उन्होंने बयान दे विच अपने च लिखाया, सिमरनजीत सिंह इलीस लक्की ने, दूजा हैगा ईश्वर सिंह, तीसरा हैगा जी जसपाल सिंह।
सारे दोषी भी तो मदई भी सारे इको पिंड के पिंड सलाहपुर के है। इन्होंने वो सट्टा ला के वो सिर सट्टा लाइया जिदे कारण वो दौराने इलाज जी गुरु नानक देव होस्पिटल अमृतसर जी डैथ हो गई। तो ये बेस से असी जी FIR नंबर 29 अंडर सैक्शन 302, 323, 506, 34 IPC जी थानाकादियाँ जी दर्ज कर ली गई अज्ज। तो इस तो इलावा जी असी दर्ज की जी मंगल सिंह की स्टेटमेंट उत्ते जिहड़ा कि उस लड़के का जिहड़ा मृतक है वह फादर है मंगल सिंह ने भी सट लगी वो अख से सट हैगी है। तो वो स्टेटमेंट असी नोट करके तो FIR रजिस्टर कर दी है। ये जो हूँ तक प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन सामने आया भी वो को एक लकड़ी का मुंगला टाइप सेगा जिन्हों कह लो देसी बेसबाल कह लो तो सट की समझ आती है। बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो बाद ही असी फाइनल कर सकते हैं तो दोषियों की पूछगिछ तो बाद फाइनल हो सकता कि होर कोई वैपन यूज़ होया कि नहीं होया। वजह रंजिश यह हैगी है जी जी दोषी धिर सिमरनजीत सिंह लक्की इन्होंने कितने 200 रुपया उन्हों लड़के दे पिता मंगल सिंह उधार दिता सीगा जी। तो एक 2-3 महीने पुरानी गल सी तो वह पैसे मंगन गया तो इन्होंने कहा जी तेनों दे देंगे तो उत्थे इन्हां दी तूं-तूं मैं हो गई। उस तो आधा घंटा बाद इन्हें अपना ईश्वर सिंह तो इन्हों नाल लिया तो पहला मंगल सिंह की कुटमार की उस तो बाद बेटे की करके जी बेटे की डैथ हो गई।